गोरखपुर में तारामंडल स्थित बैंक ऑफ इंडिया के गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके दास के द्वारा किया गया, जिसके संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के वाराणसी के जोनल मैनेजर भरत सिंह फोनिया ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने गोरखपुर शहर में अपनी पहली उपस्थिति गोरखपुर मुख्य शाखा के रूप में दिसंबर 1975 में दर्ज की थी और तब से बैंक ऑफ इंडिया निरंतर अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र खुदरा MSME व एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है। हमारे मूल्यवान ग्राहकों को बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे बैंक रिश्तों की जमा पूंजी को सुदृढ़ करने के लिए गोरखपुर क्षेत्र को चुना है और यह आंचलिक कार्यालय राज्य के पूर्वांचल एवं अवध प्रदेश से संबंधित कुल 16 जिलों की बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से संबंधित कारोबार की देखरेख करेगा, जिससे इन सभी जिलों के ग्राहक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पीआर राजगोपाल, स्वरूप दास गुप्ता, एम कार्तिकेयन, अरुण मिश्रा, अभिनव गर्ग, राघवेंद्र राव, राहुल रंजन, आदित्य कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैंक ऑफ इंडिया के वाराणसी के जोनल मैनेजर भरत सिंह फोनिया ने कहा। जनरल मैनेजर है, लेकिन जो दरअसल मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे यहाँ से हमारे बैंक ऑफ इंडिया के सर्वप्रथम एक जो सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर अपने आप में एक ऐसा उन्नतशील इलाका है या क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। आज की तारीख में आप लोग कोई भी नया परियोजना देखो, कोई भी नया कार्यविधि देखो, और सबसे बड़ी बात है व्यापारिक गतिविधि देखिए, चाहे वो टेराकोटा का इंडस्ट्री हो हैंडीक्राफ्ट के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, और विशेष तौर से एग्रीकल्चर खेती से जुड़े हुए विभिन्न जो है उद्यम हो, वो गोरखपुर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने एक कोशिश की है कि गोरखपुर क्षेत्र को एक जो है अपने निजी शर्तों पे प्रगति के लिए एक जो है अलग अंचल खोला जाए, जिसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से हो, गोरखपुर से ही हो, जिसमें कि क्या होगा, गोरखपुर की विभिन्न जो आने वाली इकाइयां हैं उन इकाइयों को जो है एक जो है हम बेहतर तरीके से वित्तीय सहायता दे पाएंगे। इसमें हमारे बैंक का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है कि गोरखपुर में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, उन संभावनाओं को बैंक ऑफ इंडिया हर तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें हमारे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारा जो NBG लखनऊ में जो हम लोगों का मुख्यालय है, उन्होंने ये महसूस किया कि हम अगर गोरखपुर के शाखाओं को एक अलग जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दें, तो उसके माध्यम से यहाँ चौमुखी बैंकिंग का विकास हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी बात मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, गोरखपुर में जितने भी लोग हैं सब प्रगतिशील हैं, और बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में एक प्रगतिशील बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया ने सब पूर्व में जापान से लेके और पश्चिम में अमेरिका तक हमारी सारी दुनिया के हर कोने पर शाखाएँ हैं, और इसी स्तर पे हमारी, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो, चाहे हमारी शहरी परिवेश में हो, और चाहे हमारी जो है अर्ध शहरी परिवेश में हो, वहाँ हमारी शाखाएँ, हमको दूसरे बैंकों से एक भिन्नता है। ये बात मैं अवश्य कहूँगा, हमारी बैंक ऑफ इंडिया उद्यमियों का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया कारोबारियों का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया खेती करने वाले कृषकों का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इस हमारे इस क्षेत्र में किसी बहुत बड़े ऐसे व्यापारिक गतिविधि वाले से संबंध रह के अपना व्यापार नहीं बढ़ा रहे जिससे जनमानस को लाभ ना हो। तो हमारी कोशिश है कि हर जनमानस तक पहुंचना, चाहे वो PM स्वनिधि के माध्यम से हो, चाहे ODOP के माध्यम से हो, चाहे वो हम KCC के माध्यम से जुड़े, हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जो है दूसरे बैंकों की तरह सिर्फ ये ना सोचें कि हम जो है एक उद्यमियों के बैंक है, हम हर वर्ग के सहायता के लिए एक ऐसे बैंक है जो है कि समाज की उन्नति चाहता है।
देखिए मैं आपको आज बताता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया की एक साफ गोई है, आप लोगों को सुन के अजीब सा लगेगा, हम ये नहीं कहते हैं कि 5% ब्याज देते हैं, हम हर वो स्कीम हमारे पास है, लेकिन हम सत्यता ये बताते हैं कि जो ब्याज की शर्तें हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हम सारी ब्याज की सुविधाएं देती हैं, लेकिन हम आज के इस कंपटीशन के दौर में हम इस माहौल को नहीं बनाना चाहते, छद्म छलावा नहीं देना चाहते कि आपको हम ऐसा ब्याज देंगे, कल पता चला कि वो तो कुछ समय के लिए था। हमने आपको सुन के अजीब सा लगेगा, हमने इस कोविड के काल पर बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र बैंक है जिसने अपने ग्राहकों के लिए एक कोविड पर्सनल लोन का स्कीम लेके आई थी जो मात्र 6.50% पे थी, वो किसी बैंक में नहीं था, लेकिन हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा इस बात का, क्योंकि हम लोगों का एक मन है कि ग्राहक को सेवा देना, समाज के हर वर्ग को सेवा देना, ये हमारी कोशिश है। पीएम स्वनिधि में के संचालन में हमारी बैंक ने अहम भूमिका निभाई, हर स्तर पे बोला गया, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ किया, हम लोग कुछ जो है लोगों के जनमानस के नज़दीक तक पहुंचने वाले बैंक। क्या अलग बनाता है बैंक ऑफ इंडिया को अन्य बैंकों से? बैंक ऑफ इंडिया का एक जो सबसे बड़ा जो बड़ी जो USP है वो ये है, बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों से रिश्तों को हर समय सजो कर रखता है, ये एक सत्यता है। हम लोगों जैसे मैंने आपको कहा, हम लोगों को कोई बहुत बड़े एकदम एक साथ छोटे शहरों में बहुत बड़े बड़े कारोबारी नहीं चाहिए, हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जिन लोगों को बैंकिंग की आवश्यकता है, ये एक बहुत बहुत बदलाव है दूसरे बैंकों की अपेक्षा।